छात्रों, पिछले पैरा में आपने पढ़ा था कि मेनन यशोधर बाबू से पूछता है कि आपका विवाह कब हुआ था। तो यशोधर बाबू ने जवाब दिया था 6 फरवरी 1947। तो मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यानी उस दिन भी 6 फरवरी का दिन था और मेनन ने हिसाब लगाया और कहा कि ये तो आपकी शादी को आज 25 साल पूरे हो गए, और विश करता है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हो गए। यानी यशोधर बाबू को भी इसका अभी अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग है। तो यह सुनकर वो पहले खुश होते हैं, फिर झेपते हैं। झेपना यानी चेहरे का रंग उड़ जाना, और चेहरे का रंग उड़ जाना और फिर खुश हो जाना। और यह अदा उन्होंने सीखी थी अपने गुरु किशन दास से, जिनके दिखाए गए रास्ते पर वो चलते हैं। उनके लिए वो जीवन में टॉर्च बियरर हैं, पथ प्रदर्शक हैं। तो चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चा पानी का इंतजाम कर फटाफट। चड्ढा के बारे में आपने पढ़ रखा है कि वो नया रंग रूट है, थोड़ा सा बदतमीज भी है। उसने चपरासी को बुलाया और कहा कि बड़े बाबू से बड़ा नोट ले। और सुनिए, ये सन 1972 की बात है, तो उस समय 10 रुपये का भी बड़ा महत्व होता था। 10 रुपये की भी कीमत होती थी, आज के 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत होगी। तो कहता है कि बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सबके चाय पानी का इंतजाम कर। तो यशोधर बाबू बोल पड़ते हैं, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। यानी ये सिल्वर वेडिंग मनाना ये सब अंग्रेज़ों के काम है, उनकी संस्कृति है, उनकी परंपरा है, हम थोड़ी मनाते हैं ये सब। तो चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकल जानी है। चड्ढा बोल पड़ता है कि अरे भाई, हम आपको ज़्यादा खर्च करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ग्रैंड पार्टी वगैरह नहीं मांग रहे हैं, अब बस चाय मट्ठी लड्डू इतना ही खिला दीजिए, इसमें आपका कौन सा बड़ा रुपया खर्च हो जाना है। तो यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। यशोधर बाबू बोले कि ठीक है, आप लोग चाय पानी पीजिए, इससे मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो हमारी परंपरा नहीं है, जो हमारा रिवाज नहीं है, उसको बढ़ावा देना, उस पर जोर देना मैं हर प्रकार से अनुचित समझता हूँ। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हों तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। चड्ढा जो कि नया रंग रूट है और थोड़ा सा शरारती भी है, थोड़ा बदतमीज भी है, 10 का नोट लेने के बाद और उसको चपरासी को देने के बाद और फिर से हाथ बढ़ा देता है यशोधर बाबू की तरफ कि इस 1 10 के नोट से क्या होगा, पूरा सेक्शन जो है, पूरा स्टाफ जो है, यह पेट भर खा सके, नाश्ता कर सके, इसके लिए तो कम से कम ₹30 होने चाहिए। सारा सेक्शन जानता था कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। यानी यह बात सारे स्टाफ को पता थी कि यशोधर बाबू के पर्स में हमेशा 100-150 रुपये पड़े रहते हैं, और उस समय 100-150 रुपयों का बड़ा महत्व था, बड़ी कीमत थी। तो कहा कि उनके जेब में हमेशा इतने पैसे होते थे, और हालांकि उनका खर्चा दिन भर का कुछ नहीं था। क्यों? इसलिए कि बस का टिकट भी खर्च नहीं होता था दिन भर उनसे। यानी वो साइकिल से आते जाते थे गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक, पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे, यानी कोई खर्च नहीं, बस चाय पानी जो दिन भर में हो गया उसी का खर्चा है। और पैदल क्यों आने जाने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक हुआ हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। आप ही लोगों की तरह उनके भी बच्चे थे, जैसे आपके पिताजी अगर साइकिल से विद्यालय आए तो आप में से बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार उनके ही बच्चे आधुनिक युवा थे, और क्या समझते थे वे, बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें।
लेकिन पिताजी को संभाव स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। यानी बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, उसी से ऑफिस आए और जाएं, लेकिन पिताजी को स्कूटर पसंद नहीं है। और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तो उसकी बात सोचना ही क्यों, और कार थोड़ी महंगी आती है, उनके हैसियत में नहीं है, तो उसकी बात वो सोचते नहीं हैं कि कार ले लें, इसलिए वो पैदल ही ऑफिस आया जाया करते हैं। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की दावत के लिए रुके नहीं। यानी चड्ढा बाबू ने 20 रुपये और दे दिए, 10 पहले दिए थे, 20 और दे दिए, लेकिन सारा स्टाफ उनसे यह प्रार्थना करता रहा कि आप भी इस पार्टी में रहें, लेकिन वह नहीं रुके, वो उन्होंने पैसा दिया और चल दिया। मातहत लोगों से चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। यानी किशनदा से उन्होंने यह सीखा था कि दिन भर के शुष्क व्यवहार को जाते जाते हंसी मजाक कर भुला देना चाहिए, तो ये तो वो करना स्वीकारते थे, लेकिन किशनदा की परंपरा में यह नहीं था कि स्टाफ के साथ बैठकर चाय नाश्ता पानी और हंसी मजाक हंसी ठिठोली करें। तो चूंकि किशनदा उनके आदर्श पुरुष थे, उन्हीं के राह पे चलते थे, तो इसलिए वो पैसे दे दिए और निकल लिए। उनके साथ चाय पानी पीना और डिंगे हाँकना उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि ये किशनदा को पसंद नहीं था। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज़ बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यानी यशोधर बाबू जब दफ्तर से लौटते हैं तो रोज़ मंदिर जाते हैं और उस मंदिर के उद्यान में बैठकर कई प्रवचन सुनते हैं और नहीं तो प्रभु का ध्यान लगाने लगते हैं। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। यानी जब वो सीधे घर नहीं आते, बिरला मंदिर चले जाते हैं, वहाँ प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, इसमें समय लगता है, लेट से घर पहुँचते हैं, तो यह बात उनके पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यानी बच्चे उनके कहते हैं कि अभी आप बहुत बूढ़े थोड़ी हुए हैं कि आप मंदिर जाएं। यानी उनके अनुसार मंदिर में पूजा अर्चना करना, ध्यान लगाना, ये सब बूढ़े लोगों का काम है, तो आप अभी इतने बूढ़े नहीं हैं कि आप रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, भगवान की इतनी पूजा अर्चना करें। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं, यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यह सुनकर। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है, और अनसुना इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके जो गुरु हैं किशनदा, उनके अनुसार लोग आपकी कितनी ही बुराई करें, लेकिन आपका जो सिद्धांत है उस पर से आपको हटना नहीं चाहिए। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। यानी जब बिरला मंदिर से निकलते हैं तो बाज़ार चले जाते हैं पहाड़गंज, और वहाँ से साग सब्जी खरीद के घर लौटते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते। यानी बिरला मंदिर में जाना, फिर पहाड़गंज मार्केट में जाना और फिर साग सब्जी खरीदना, यह करते हुए घर पहुँचने में 8 बज जाते हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस आहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। यानी उस बाउंड्री की तरफ पड़ी जिसमें किशनदा रहा करते थे, 3 बेडरूम वाला उनका क्वार्टर जिसमें हुआ करता था पहले, और जिस पर इन दिनों 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यानी उसे तोड़कर, पुराने क्वार्टर को तोड़ करके इस समय 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देख कर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। यानी परिवर्तन हो रहा है उधर, पुरानी इमारतें तोड़ तोड़ के नहीं बनाई जा रही हैं, तो यह परिवर्तन यशोधर बाबू को बुरा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक
मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। और ये परिवर्तन किथंदा को अच्छा नहीं लगता। उन्हें नहीं पता कि ये एक मंजिला इमारतें तोड़ के छः छः मंजिले की इमारतें बनाई जा रही हैं, ये अच्छा काम हो रहा है कि बुरा काम हो रहा है। लेकिन उन्हें यह ज़रूर लगता है कि इसका विरोध करने के लिए, इसका दुख मनाने के लिए उन्हें इस एरिया में ज़रूर रहना चाहिए। उन्हें एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। यानी इधर नई बस्तियों का निर्माण हो रहा है, पुराने क्वार्टरों को तोड़ करके नई इमारतें बनाई जा रही हैं, तो इनके भी क्वार्टर का नंबर कभी ना कभी आना है टूटने का। तो टूटने से पहले इनके लिए कई ऑफर आए हैं नई इमारतों के लिए दूसरे मोहल्लों में, लेकिन इन्होंने जाने से साफ मना कर दिया है, ये उसी इलाके में रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। यानी उनके क्वार्टर में जिसमें वो रहा करते थे उसका नंबर आया टूटने का, फिर भी उन्होंने उसी क्षेत्र में क्वार्टर कोई दूसरा ढूंढ लिया। उस क्षेत्र को छोड़ के, उस एरिया को छोड़ के वो कहीं और नहीं गए जो कि उन्हें ऑफर हो रहे थे। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। यानी तब की तब देखी जाएगी यह फिक्रा भी उन्होंने किसंदा से सीखी हुई थी। जब पत्नी यह कहती है कि जिसमें रह रहे हैं जब इसका भी नंबर टूटने का आ जाएगा तब क्या करोगे, कहते हैं तब की तब देखी जाएगी और हंस पड़ते हैं। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। यानी पत्नी और बच्चों से मतभेद होने लगा है, चाहे मामला कोई भी हो, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। देखिए राज खुल गया कि वह घर क्यों जल्दी नहीं जाते, इसलिए कि पत्नी और बच्चों से मनमुटाव होने लगा है हर मुद्दे पे, हर बात पे, और इसीलिए घर में कलह मच जाता होगा। इसलिए वह घर से जितना दूर रह सकें यह प्रयास करते हैं और जानबूझ के घर देर से लौटते हैं। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। देखिए बच्चे जब तक छोटे होते हैं तो अभिभावक चूँकि क्लास में छोटे क्लास में होते हैं तो उस समय तक गार्जियन अभिभावक मदद कर सकता है, लेकिन जब ऊंचे क्लासों में बच्चे पहुंच जाते हैं तो गार्जियन के पढ़ाई लिखाई से बाहर की चीज़ वो हो जाती है। तो अब चूँकि बच्चों की मदद नहीं कर सकते, पहले मदद करने में समय बीत जाया करता था घर में, अब वो भी नहीं कर सकते हैं, और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो किसी बात पे, किसी मुद्दे पे बनती नहीं है, मतभेद हो जाता है, इसलिए घर से बाहर रहना ही ज़्यादा श्रेयस्कर पंत जी को प्रतीत होता है। अब लड़का बड़ा, यानी बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है, यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। यानी उनके पुत्र को खूब मोटी तनख्वाह मिलती है और इसलिए यशोधर बाबू को यह समझ नहीं आता कि इसको इतना ज़्यादा पैसा इस नौकरी से कैसे मिल जाता है। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यानी पैसा ज़्यादा है तो उन्हें शक होता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ झाला है, नहीं तो हम इतने दिन से नौकरी कर रहे हैं और जितना यह शुरू में पा रहा है 1,500 रुपया, इतना तो हम रिटायरमेंट के करीब पहुँचे हैं तब मिल रहा है, तो ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ झाला है। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। यानी उनके समझ में यह नहीं आता कि जब एक बार हालांकि रैंक भले नीची थी लेकिन नौकरी मिल गई तो इसने नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं की। यह बात
यशोधर बाबू को समझ में नहीं आती। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यानी तीन बेटे और उस पर एक बेटी जो कि क्या कर रही है, विवाह प्रस्तावों को खारिज करती चली जा रही है, डॉक्टरी की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां संभाव यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। यानी ऐसी खुशहाली किस काम की जो अपनों में दूरियां पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें संभाव जचती नहीं। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। यानी पिताजी यह सोचकर मन को दिलासा दे देते हैं जब उनके बच्चे अपने गरीब रिश्तेदारों की अवहेलना करते हैं कि और खुद बच्चों से मतभेद हो जाता है, तो यह सोच के अपने मन को दिलासा देते हैं कि यह जनरेशन गैप तो होता ही है। छात्रों, शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।